सिवनी के लखनादौन में स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की नेता द्वारा सरेआम दबंगई करने की तस्वीर सामने आई है। इसमें महिला नेता बस स्टैंड इलाके में सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति की पिटाई करते और अपशब्द कहते दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर ने इस घटना का लाइव वीडियो शूट किया है। आप भी देखिए किस तरह एक व्यक्ति को महिला नेता पीट रही है। इस वीडियो में महिला द्वारा अपशब्दों का उपयोग भी किया गया, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। बीजेपी महिला मोर्चा की यह नेता लखनादौन पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की मंडल अध्यक्ष श्रीमती रानी गुर्जर है, जो शासन के स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत लखनादौन बस स्टैंड में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब बीजेपी की महिला नेता सड़क में झाड़ू लगाकर सफाई कर रही थी तो भीड़ में से एक व्यक्ति उनके पास आकर यह कहता देखा गया कि यहां सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए तो झाड़ू लगा रही है, पर उनके खुद के घर के पास लगा गंदगी का ढेर कब साफ करेगी। बस इस पर महिला नेता ने बिफिरते हुए युवक की सरेआम थप्पड़ मारकर पिटाई कर दी और गालियां भी दी। तस्वीर में एक पुलिस कर्मी भी बीच बचाव करता देखा गया है। पीड़ित व्यक्ति का नाम अशोक बर्मन है, जो खुद पिछड़े वर्ग से आता है। ऐसे में महिला नेता का उससे इस तरह का बर्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस मामले में महिला नेता या उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिवनी से संजीव क्रदिया की रिपोर्ट।